स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में राजनीतिक रैलियों के आयोजन पर रोक को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को ऐतराज जताया है और बिहार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि देश में ऐसा भेदभाव क्यों। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की भी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य में राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाने वाले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के आदेश के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। बिहार में हर दिन राजनीतिक रैलियां हो रही हैं। एक देश में इस तरह अलग अलग कानून नहीं हो सकता है। हमने सभाएं निरस्त की है क्योंकि हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक फैसला दिया है सभाएं ना करने का है, वर्चुअल रैली करने का, या फिर चुनाव आयोग की अनुमति लेके ही कर सकते हैं। हम माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, उनके फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले के संबंध में हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं क्योंकि एक देश में दो विधान जैसी स्थिति हो गई। मध्य प्रदेश के एक हिस्से में रैली और सभा हो सकती है, दूसरे हिस्से में नहीं हो सकती। बिहार में आम सभाएं हो रही है, रैलियां हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के एक हिस्से में नहीं हो सकती। इस फैसले के संबंध में न्याय की प्राप्ति के लिए हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि न्याय मिलेगा। श्रीमती सोनिया गांधी जी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि वो भी कमलनाथ जी से जवाब मांगे और जो अमर्यादित टिप्पणी उनने की है उसके संबंध में वो एक माँ बहन और बेटी होने के नाते ऐसे अमर्यादित नेता के खिलाफ कार्रवाई करें। मैंने ये भी लिखा था कि अगर वो कार्रवाई नहीं करती तो ये माना जाएगा कि उस अमर्यादित बयान से वो सहमत हैं। अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मैं कांग्रेस की अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से फ्री आग्रह करता हूं कि मेरे पत्र का जवाब दें, या तो कमलनाथ जी के खिलाफ कार्रवाई करें या फिर ये कहें कि उन्होंने जो कहा था सही। मध्य प्रदेश के इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान शंकर लालवानी ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नहीं कमरनाथ हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शंकर लालवानी ने अभिनेत्री जैकलीन के साथ में चित्र दिखाते हुए कहा कि देखिए किस तरह उनका हाथ कमर पर है, ये मैं नहीं कह सक रहा हूँ, सांवेर के जागरूक मतदाता कह रहे हैं। जो मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री जी का नाम कमलनाथ है, लेकिन उन्होंने मुझे एक चित्र दिखाया, उसमें बहन ने बोला ये कमलनाथ जी नहीं है, ये कमरनाथ जी है, ये कमर हाथ किधर है उनका देख लो। तो मैंने नहीं बोला, ये हमारी बहन ने बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने ये चित्र दिया। यानी गाँव के भी मतदाता इतने जागरूक हो गए हैं कि किस प्रकार की भाषा का उपयोग कमलनाथ जी कर रहे हैं वो उनको भी आक्रोशित है। तो ये जो चुनाव है स्पष्ट ये विकास का, और 15 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव गरीब का जो विकास किया है, गांव में जिस प्रकार हमने देखा सड़कें बन गई पिछले 15 महीने में सांवेर क्षेत्र में। एक मध्य प्रदेश के सांवेर विधानसभा के क्षेत्र चंद्रावतीगंज में उपचुनाव के लिए वोट डाले गए। निर्वाचन आयोग के आदेश पर कोरोना काल को देखते हुए निर्वाचन अधिकारियों ने चंद्रावतीगंज क्षेत्र में घर घर जाकर बैलेट पेपर के माध्यम से दिव्यांग और वृद्ध नागरिकों का मतदान कराया। बता दें कि चंद्रावतीगंज क्षेत्र में 3,745 मतदाता हैं, जिसके लिए 4 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 3 मतदान केंद्र के 12 दिव्यांग और वृद्ध नागरिकों का बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान अधिकारियों ने मतदान कराया। बहुत बहुत आभार मानता हूँ जो घर बैठे हमारी वोटिंग करी और हम विकलांगों को इतनी सहायता दी, जहाँ कि वोटिंग पोल पे जाते समय हमें बहुत दिक्कतें होती थी और ना ही ठीक से हम चल सकते हैं, इसलिए हमारे घर पहुँच सेवा करी, इसके लिए बहुत बहुत आभार। निर्वाचक आयोग अधिकारी जी आए, इनका भी बहुत बहुत आभार,
जो हमारी विकलांगता को देखते हुए घर पहुंच सेवा करी वोटिंग की, और मैं आशा करता हूं कि आगामी चुनाव में भी यही विधानसभा उप निर्वाचन सांवेर में माननीय निर्वाचन आयोग भोपाल के निर्देशानुसार आज दिनांक को हमें कोरोना काल की वजह से मतदाताओं को एक सुविधा दी गई थी कि उनके घर जाकर बैलेट पेपर के माध्यम से उनका मत मतांकित किया जाए। उसी तारतम्य में हम आज चंद्रावतीगंज एरिया में आए और जहां हमने मतदाता के घर पहुंच मध्य प्रदेश के इंदौर में तूकोगंज थाना क्षेत्र की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि पिछले दिनों एक महिला का बैग छीनकर भागने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को पकड़ने में सराफा से लेकर तुकोगंज थाना क्षेत्र तक करीब 80 कैमरे की मदद से पकड़ा गया। आरोपियों के पास से 4 सोने की चूड़ियां, मोबाइल और लूट में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं पकड़े गए आरोपी प्रवीण और साजन से पुलिस अन्य वारदात के बारे में भी पूछताछ कर कई खुलासे होने की उम्मीद जता रही है। बरामद करने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें 4 चूड़ियां, मोबाइल फ़ोन, उसका एक आइडेंटिटी कार्ड और बैग ये भी प्राप्त किया है। मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। यह कि इस तरह की घटनाएं और थाना क्षेत्रों में भी पेंडिंग है, जिसके लिए इस पूछताछ की जा रही है, इनका रिमांड भी लिया गया है और आगे कार्रवाई जा। एमपी की रीवा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां कुछ सेल्समैन की तरफ से गरीबों का खाद्यान्न कालाबाजारी करके व्यापारियों को बेचकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। दरअसल संचालित सेवा सहकारी समिति बधवा कोठार में सेल्समैन सतीन दुबे की तरफ से समूह संचालक की आड़ में गरीबों का खाद्यान्न ट्रैक्टर के माध्यम से बाजार के लिए ले जाया जा रहा था। इस दौरान ग्रामीणों ने ट्रैक्टर को पकड़ लिया और पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं मौके पर पुलिस ने पहुंचकर ट्रैक्टर में लदा 50 बोरी खाद्यान्न जब्त कर लिया। ग्रामीणों का कहना है कि सेल्समैन ने पिछले कुछ दिनों से मशीन पर अंगूठा लगवाकर दूसरे दिन आने के लिए बोला जाता था, जिससे ग्रामीण दिन रोज परेशान होते रहते थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इनमें कोई पटेल है, रामबाबू पटेल, ये सहकारी समिति में काम करते हैं और ये बंटवारा करते थे उसका। तो उस दौरान ये बताया गया कि इनके द्वारा जो ये खाद्यान्न लिए लेकर जा रहे थे ट्रैक्टर में, ये उससे सीमा से अधिक और मतलब इनके ऊपर ये लगाया जा रहा है आरोप कि इसका सही तरीके से वितरण नहीं हो रहा है। इस संबंध में जाँच के लिए ले आए हैं, इसकी जाँच के लिए बता दिया है पुलिस के साथ को और संबंधित की जाँच करके। ये हमारे यहाँ के बधवा कोठार खाद्यान्न ये जो सत्येंद्र द्विवेदी हैं, ये अंगूठा लगवा लेते थे और पर्ची भी नहीं निकालते थे और 3-4 माह से दिए भी नहीं हैं, खाद्यान्न नहीं दिए, और जो देते थे तो सड़ा गला देते थे, अच्छा जो रहता था उसको सेल कर देते थे। ये हम घूमने जा रहे थे तो वो टाली में लदा हुआ था, फिर हमने पूछा कि ये कहाँ का गल्ला है, कैसा है, वो बोले मेरे को नहीं मालूम है। मैं फोन करके ग्रामीणों को बुलाया, रंगे हाथ पकड़ा गया ट्रैक्टर से। एमपी के शिवपुरी के दिनारा थाना क्षेत्र के सिकंदरा बैरियल पर उपचुनाव को लेकर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान दो गाड़ियों से 8,40,000 रुपए नकद बरामद किए गए। बता दें कि पुलिस ने चुनाव के चलते बैरियल पर चेकिंग की है। चेकिंग के दौरान दो गाड़ियों में पैसा मिला है। वहीं दिनारा पुलिस ने पैसा जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता दें कि एमपी में उपचुनाव है, इसको लेकर लगातार पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। कई नाकों पर पुलिस तैनात है और इसी दौरान चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से भारी संख्या में कैश बरामद किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार राज्य शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से सभी जिला कलेक्टरों को उनके जिले में प्याज की उपलब्धता और खुदरा बाजार मूल्य की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिला कलेक्टरों को जारी निर्देश में कहा गया है कि राज्य स्तरीय प्राइस मॉनिटरिंग सेल में जिलों में
आवश्यक वस्तुओं के बाजार भाव के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ है कि पिछले एक महीने में प्याज के खुदरा बाजार मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। सभी जिला कलेक्टर जिले में प्याज की उपलब्धता और खुदरा बाजार मूल्य की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए कार्यवाही सुनिश्चित करें। इसके अलावा खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि प्याज के थोक और खुदरा व्यापारियों की तत्काल बैठक लेकर जिले में प्याज की उपलब्धता और मांग का आकलन कर आवश्यकता अनुसार प्याज की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा सीएम ने और कई भी दिशा निर्देश जारी किए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बस्तर अंचल के विकास और समृद्धि के लिए 4 से 5 बड़े स्टील प्लांट खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरपंच संघी मांग पर स्टील प्लांट खोलने की सहमति दी है, जिससे यहां के स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। बता दें कि दंतेवाड़ा से आए सरपंच संघ के प्रतिनिधि मंडल ने रायपुर में सीएम भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की और क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा। वहीं सीएम ने कहा कि शहीद महेंद्र कर्मा जी की भी इच्छा थी कि दंतेवाड़ा समेत बस्तर अंचल में बड़े उद्योग लगें। इनकी इच्छा से ही बस्तर का विकास किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में कोसार टेढ़ा माध्यम सिंचाई परियोजना के तहत बांध का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत कमेला के कई लोगों का इस परियोजना में जमीन अधिग्रहण किया गया है। वहीं ग्राम पंचायत कमेला के प्रभावित लोगों को वन भूमि दी गई थी, लेकिन 30 साल से काबिज होने ने बाद भी वनाधिकार पट्टा नहीं दिया गया है, जिसके चलते प्रभावित परिवार भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। साथ ही उनमें आक्रोश भी पनप रहा है। प्रभावित लोगों का कहना है कि सरकार, अगर हम प्रभावितों को वनाधिकार पट्टा नहीं दिया गया तो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। कोसा टेंडा मध्य सिंचाई के कारण हमारा जमीन चल दिया है। आज हम लोग जमीन के लिए आज 90 से वहाँ हम लोग काबिल काश्त कर रहे हैं। उस जमीन को हम लोग को क्यों हक छीना गया है, दे नहीं रहे हैं। कहाँ जाए और कहाँ रहें, कहाँ खाएं, तो हमको इसीलिए चाहिए कि भाई जमीन नहीं है तो हम रहेंगे कहाँ। आज श्रीमान जी आके अपन को दिखा दे अपना किस जगह में बैठे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545-45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। एडमिशंस ओपन फॉर डिग्री, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेस। पैरामेडिकल पाठ्यक्रम हेतु साईनाथ पैरामेडिकल कॉलेज नियर जय अंबे हॉस्पिटल, देवपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़। 9131489790786915225। ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में जनता कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा के राज्यपाल के नाम से नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री का पुतला भी दहन किया गया। बता दें कि मरवाही विधानसभा चुनाव से जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी, उनकी पत्नी ऋचा जोगी सहित दोनों कार्यकर्ताओं को नामांकन डलवाया गया था, लेकिन भूपेश सरकार ने निर्वाचन आयोग पर दबाव बनाते हुए उनकी नामांकन रद्द कर दिया था, जिसका विरोध पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री का पुतला दहन करके किया जा रहा है। बाराद्वार में नायब तहसीलदार के कार्यालय के सामने पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। देखिए महोदय, आज विरोध प्रदर्शन इस कारण से हुई है, हमारे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भैया अमित जोगी जी, भाभी ऋचा जोगी जी एवं हमारे समर्थित दो और उम्मीदवार जिनकी नामांकन रद्द कर दी गई है। उसी दरमियान में आज हमारे प्रदेश में सभी जगह, सभी ब्लॉक, सभी तहसील में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का पुतला दहन किया जा रहा है और साथ ही साथ धरना प्रदर्शन करके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये विरोध प्रदर्शन हमारे पार्टी की सुप्रीमो माननीय अमित जोगी जी ने नामांकन डाला था और अन्य और तीन लोग, एक बहू रानी ऋचा ने भी डाला था, अन्य दो ने और डाला था, तो चारों नामांकन को भूपेश बघेल जी ने खारिज करवा दिया। मैं भूपेश बघेल जी को पूछना चाह रही हूँ, ये मीडिया के माध्यम से वो हम लोगों को बताएंगे, जब फिरोज़ खान का बेटा गांधी लिख सकते हैं तो जोगी जी का बेटा आदिवासी क्यों नहीं लिख सकते? मरवाही विधानसभा सीट में ऋचा जोगी और अमित जोगी के संबंध में जो है जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के संबंध में ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम से दिया गया है। हाँ, पुतला दहन करने वाले थे छीन के जो है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पीड़िता के पिता ने पुलिस में बेटे के लापता होने का मामला दर्ज कराया था। पुलिस तभी से मामले की जांच में जुटी थी। वहीं पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। की लड़की को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अपहरण कर ले गया है। उक्त मामले में नाबालिग पीड़िता का लगातार पतासाजी की जा रही थी, जो मुखबिर से पता चला कि मनेंद्रगढ़ कोर्ट में नाबालिग बालिका का नोटरी से शादी किए हैं। उक्त मामले में आरोपी रामसुंदर ध्रुवे एवं उसके जीजा, जो उसमें संरक्षक का भूमिका निभाया है शादी कराने में, उनको गिरफ्तार कर आज दिनांक को छत्तीसगढ़ की गरियाबंद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां गांजा तस्कर एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इस दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से 32 किलोग्राम गांजा, कीमत करीब 3,00,000 रुपए आंकी गई है, स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
शुरू करें। यह घटना थाना छुरा क्षेत्र के ग्राम कोसमबुड़ा की है, जिसमें कोसमबुड़ा मोड़ पे मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो है स्कॉर्पियो में गांजा तस्करी करते ले जा रहा है। तो हमारे द्वारा रेड कार्रवाई किया गया। रेड कार्रवाई में 34 किलो गांजा लवदीप नामक व्यक्ति से बरामद हुआ है, जिसमें अभी 20 का NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली के रेहोटा गांव में अपने सौतन को जिंदा जलाकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल एक महिला ने अपने सौतन को आपसी विवाद में मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया, जिसके बाद मृतका महिला अपने आप को बचाने के लिए बाहर निकली, जिसके बाद उसके पति ने पानी डालकर आग को बुझाया। वहीं गंभीर अवस्था में महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मरने से पहले पुलिस के सामने महिला ने बयान दिया कि ग्राम भरवानगुड़ा की रहने वाली महिला सुलेखा के साथ उसके पति का प्रेम प्रसंग था, जिसके बाद उक्त महिला उनके घर में आकर जबरदस्ती रहने लगी और आए दिन विवाद करने लगी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 9/10/2020 को ग्राम रेहुटा में मृतिका श्रीमती कविता कुर्रे, जिसे उसकी सौतन सुलेखा कुर्रे द्वारा मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगा दिया गया था। आग बहुत ज़्यादा गंभीर होने के कारण उसे जिला अस्पताल मुंगेली लाया गया था। मुंगेली से उसे बिलासपुर रिफ़र कर दिया गया था। महिला चूँकि बहुत ज़्यादा जल चुकी थी, तो उसका मृत्युपूर्व कथन कराया गया और बिलासपुर से हम लोग को डायरी प्राप्त होने पर आज हत्या का अपराध दर्ज किया गया है और आरोपिया श्रीमती सुलेखा कुर्रे को गिरफ्तार कर। कोरोना वायरस के चलते जहां लगातार सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने को कहा जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में अलग ही नजारा देखने को मिला। बता दें कि ग्राम पंचायत मोहतरा में नवनिर्मित गौठान का राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने लोकार्पण किया। इस दौरान मोहतरा ग्राम में किसान मजदूर बचाव अभियान पदयात्रा भी निकाली गई, जिसमें लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए और भारी मात्रा में लोगों ने इकट्ठा होकर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के धनेली नाका पर तैनात यातायात विभाग के कर्मचारियों की ओर से वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों से अवैध वसूली की शिकायतें लगातार सामने आ रही थी। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में एक व्यक्ति पुलिस कर्मियों पर बिना वजह पैसे के लिए परेशान करने और मारपीट का आरोप लगा रहा है। बताया जा रहा है कि नाके पर तैनात कर्मचारी ट्रक ड्राइवर से मोटी रकम की मांग कर रहे थे। पैसे न देने पर पुलिस कर्मियों ने ड्राइवर को जमकर पीटा। इसी दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति ने वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB News। नमस्कार।